नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ रहे हैं कि आज की क्लास में हम UP SSSC पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए। ये कंप्लीट बुक हम कराएंगे। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास का टॉपिक वैदिक संस्कृति कम्प्लीट करेंगे। ये करने से आप 100% सिलेबस कवर करेंगे, ये 100% फ्री रहेगा और आप 100% परसेंटाइल ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके दिमाग की गागर में भरना ज्ञान का महासागर। तो चलिए भरते हैं ज्ञान का महासागर आपके दिमाग की गागर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये अंकित भाटी सर का बुक का कवर पेज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे अंकित भाटी सर हैं। इसमें इस बुक में इन्होंने ये सारे टॉपिक कवर करिए, ठीक है। ये सभी टॉपिक लोअर PCS राजस्व निरीक्षक ये सब पोस्टों के लिए जरूरी है। ये बुक का अंदर का कवर पेज है और ये इसमें सिलेबस कंप्लीट दे रखा है। सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं वन बाय वन, ठीक है। तो हम आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज हमें वैदिक संस्कृति पढ़ना है, तो हम वैदिक संस्कृति की तरफ चलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति हम निकाल लेते हैं, ये है वैदिक संस्कृति। आज हम वैदिक संस्कृति की शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में वैदिक संस्कृति। तो वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है। तो किसकी रचना हुई है इसमें? वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है और वेद का अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। तो इसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्यों को कहा जाता है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट। मतलब इसका यह है कि सबसे अच्छा, सबसे अच्छी जाति, तो आर्य बोला जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्स मूलर ने यह शब्द यूज किया था, आर्य शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं, वैदिक संस्कृति दो भागों में बटी हुई है। तो पहला है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या है? हमारा उत्तर वैदिक काल है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, ठीक है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं इसमें, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण है। देखो सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय थी, और ये कैसी सभ्यता है? ग्रामीण है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया, ये पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन दोनों में। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होता था? पशुचारण करते थे ये लोग। कृषि इनका मुख्य कार्य था, और कृषि क्या करता था? इनका मुख्य कार्य था। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं में कौन कौन मिलते हैं? इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक की अनेक जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता किससे मिली है? अवेस्ता से मिली है, ठीक है। ये किसका ग्रंथ है? ईरानी भाषा का ग्रंथ है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत है। तो अलग अलग विद्वानों ने मूल निवास के बारे में अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, विद्वान क्या कहते हैं? पहले विद्वान है प्रोफेसर पेंका। प्रोफेसर पेंका बताते हैं कि जो आर्य आए थे वो जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे, ठीक है, इनका निवास स्थान था। गंगानाथ जी झा कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं ये तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं उत्तरी ध्रुव के थे ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया उत्तरी ध्रुव वाला। प्रोफेसर मैक्स मूलर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मध्य एशिया से आए या बैक्ट्रिया से आए थे, इनका निवास स्थान था आर्यों का। गाइड्स महोदय कहते हैं ये हंगरी या डेन्यूक नदी घाटी से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी कहते हैं सप्तसैंधव प्रदेश से ये आए थे। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन कहते हैं ये दक्षिणी रूस से आए थे, और दक्षिणी रूस से आए थे, ठीक है। ये पूरा नाम है नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, तो ये कहते हैं ये दक्षिणी ध्रुव से आए थे। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, अधिकांश विद्वानों में ने जो माना है वो प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों को माना है, और इन्होंने बताया था कि जो आर्य आए थे मध्य एशिया में निवास करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान,
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, ठीक है। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मव्रत कहलाता था। ये कोई नाम पूछा जा सकता है, ये कलर पे दे रखा है इन्होंने, तो ये क्या है, ब्रह्मव्रत कहलाता था। कहां से लेकर कहां तक, सतलज से यमुना नदी के क्षेत्र तक। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र में एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर रखा था, तो जिसे क्या बोला था, ब्रह्मऋषि बोला जाता था, ब्रह्मऋषि बोला जाता था। आगे चलते हैं, कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। आगे चल के क्या कहा गया, आर्यव्रत कहा गया। ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु नदी का वर्णन कई बार आता है। ऋग्वेद काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती, ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया, मतलब कि नदियों में प्रमुख कहा गया सरस्वती नदी को, ठीक है। ये नाम पूछा जा सकता है, नदी तमा किसे कहा गया, तो सरस्वती नदी को कहा गया। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए सप्तसैंधव क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती और दृशदती नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना गया है, और जिसे क्या बोला गया था, ब्रह्मव्रत कहा गया है। क्या बोला गया है, ब्रह्मव्रत। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी चोटी मुंजबत का भी उल्लेख मिलता है। कौन सी चोटी है, मुंजबत का। आगे देखते हैं, अब यहाँ की नदियां देखते हैं ऋग्वेदिक काल की। तो देखो, परोशनी नदी किसे बोला जाता था, देखो प्राचीन नाम है परोशनी और आधुनिक नाम है रावी, रावी को परोशनी बोला जाता था। सतुद्री बोला जाता था सतलुज को, आसकनी चिनाब को बोला जाता था, विपासा व्यास को बोला जाता था, गोमल गोमती को बोला जाता था, सदानीरा गंडक को बोला जाता था, और आगे है हमारी वितस्ता झेलम नदी को बोला जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। कुंभा काबुल नदी को बोला जाता था, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका विपाशा पूछा गया है, अस्कनी पूछा गया है, पर जो वितस्ता वाला है, झेलम नदी वाला, ये कई बार पूछा गया। अब राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं इसकी। ऋग्वेदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या था, कुल था, ठीक है। जो मूल है, मतलब कि शुरुआत कहां से होती, कुल से हो रही थी, परिवार से हो रही थी। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, कुलूप कहा जाता था, या फिर गृहपति कहा जाता था, ठीक है। परिवार के मुखिया क्या बोलते थे, कुलूप बोलते थे, कुलप या फिर गृहपति। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, कई सारे परिवार मिलकर क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे, और इसका मुखिया कौन होता था, ग्रामीण ही होता था। अनेक ग्राम मिलकर के विश्व बनाते थे, बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते थे, विश्व बनाते थे, विश्व का प्रधान कौन होता था, विश्वपति होता था। विश्व से जन बनता था, अब कई सारे विश्व मिलकर के क्या बनाते थे, जन बनाते थे, और जन के शासक को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे, ठीक है। पुरोहित और सेनानी कौन थे, प्रमुख थे। विशिष्ट रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। तो विशिष्ट तो थे रूढ़िवादी, और विश्वामित्र कौन से थे, उदार पुरोहित थे, ठीक है। इस प्रकार आर्यों की इकाइयों को 5 हिस्सों में बांटा गया। देखो, सबसे छोटी इकाई है कुल, फिर है ग्राम, फिर है विश, फिर है जन, और जनों से मिलकर के पूरा क्या बनेगा, राष्ट्र बनेगा, ठीक है। इस तरह से 5 इकाइयां बनाई गई थी। सबसे छोटी कुल है और सबसे बड़ी क्या है, राष्ट्र, ठीक है। चलिए इधर की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं आगे हम, ऋग्वेदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ था, ठीक है, जिनमें से सभा समिति और विदग्ध प्रमुख थे, ठीक है। ये क्या थी, संस्थाएं थी, इनके नाम है सभा बोला जाता था, समिति और विदग्ध। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की भी राजनीति में भाग लेती थी, तो महिला किसमें भाग लेती, राजनीति में। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, ठीक है। तो सभा सबसे प्रमुख है, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। सभा कुलीन, मतलब राजा महाराजा ये सब थे, श्रेष्ठ लोग थे, उनकी थी, और आपकी समिति थी वो जनमानस से बनी हुई थी। विदत आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था थी, स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी, पर विदत में भाग नहीं ले सकती थी। अब बात करेंगे मैं आर्थिक स्थिति की। ऋग्वेदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी, तो कबीलों की तरह, ये जैसे कबीले होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से, तो ग्रामीण थे और ये लोग कबीलाई थे। इस काल में गाय एक पवित्र पशु माना जाता था, यह विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग होता था, मतलब कि किसी ने, मतलब विनिमय का यूज होता था, जैसे कि दो गाय दे दी, किसी ने तीन गाय दे दी, इस तरह से विनिमय चलता था। गाय को अघन्या ना मारने योग्य माना जाता था, अघन्या मतलब कि किसको मारेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, ना मारने योग्य पशु था ये। गविष्टि गाय की महत्वता बताने वाला एक शब्द था। पणि
नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थे। ठीक है, तो पणी जो लोग थे वो व्यापारी थे और वो पशुओं की चोरी करते थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। सूत, रथकार और कम्बांकी नामक अधिकारी रत्नी कहे गए हैं। बेकनाट सूदखोर थे। बेकनाट कौन थे? सूदखोर थे। ठीक है, सूद पर मतलब ब्याज पर लेते थे, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। दस राज युद्ध, अब ये दस राज युद्ध क्या है? इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परोशनी मतलब कि रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। जन क्या होता है? राजा होते हैं, राजा को बोलते हैं जन। ठीक है, तो सुदास और 10 राजा के बीच में ये कैसा युद्ध हुआ था? ये हुआ था, 10 राज युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें सुदास विजय हुआ था। कौन जीता था? सुदास जी जीत गए थे। अब बात आती है सामाजिक स्थिति की। ऋग्वेद समाज पितृसत्तात्मक था। ठीक है, वहां पर जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, ये पितृसत्तात्मक थी। सामाजिक संगठन का स्रोत गोत्र का जन्म मूलक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, तो संयुक्त परिवार चलता था इसमें। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण मतलब जिस कुल में जन्मेगा वही काम करेगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है, इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य भाग लेती थी। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन भी था। विवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दहेज नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन इसमें नहीं था। ठीक है, मतलब बुराइयां नहीं थी। ठीक है, मतलब भले ही ग्रामीण थी ये सभ्यता, पर क्या थी? इसमें कोई भी बुराई नहीं थी। ठीक है, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा तक नहीं थी। ठीक है, विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। अब बात करेंगे हम धार्मिक स्थिति के बारे में। ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद थी। ठीक है, एक मतलब एक देवता के बारे में बात करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, जिसमें स्पष्ट होता है कि वे सार्वभौमिकता सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। ठीक है, एक में तो विश्वास रखने पर बहुलवादी हो गए थे। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन थे। ये 4 प्रकार के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। आगे देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रय कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, अथर्वेद को छोड़कर के तीनों वेदों को क्या कहा गया? वेदत्रय कहा गया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त, 10,552 त्रचाएं थी। ठीक है, ऋग्वेद के दूसरे और दो से लेकर 7वें मंडल प्राचीन माने गए। सबसे पुराने मंडल कौन कौन से माने गए? 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, पहला और लास्ट के 3 छोड़ दिए गए हैं, 8, 9, 10। ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। तो कौन से मंडल में? तृतीय मंडल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित माना गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, सोम देवता है उनको समर्पित है। ठीक है, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले को पुरोहित को होत्रु कहा जाता था, होत्रु कहा जाता था। ठीक है, जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसे होत्रु कहा जाता। ऐत्रेय और कौशित की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। यजुर्वेद में, ऋग्वेद के बाद अब यजुर्वेद आ गया। ठीक है, ध्यान देना, देखो पहला वेद के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, अब यजुर्वेद आ गया। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित थे। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में था। ठीक है, दोनों में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में, तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न करने वाले को पुरोहित को क्या बोला जाता था? अधर्व्यू को बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जाता था? अधर्व्यू। ठीक है, ऋग्वेद में जो पढ़ता था वो बोला जाता था होर्तु और इसमें बोला जाता था अधर्व्यू। ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद, जिसका संबंध
आध्यात्मिक चिंतन से था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद, अब देखो तीसरा आ गया है सामवेद। सामवेद में यज्ञों को अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, जो व्यक्तियों को इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता। देखो सामवेद क्या है, गाकर गाने वाला, गान है, ठीक है, गा गा कर ये गाया जाता था। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था, जो गाता था उसे बोलते थे उद्गाता। अथर्वेद में सामान्यतः, अब आ गया अथर्वेद, अथर्वेद में सामान्यतः मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजातियों प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ठीक है, सभा और समिति क्या है, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय मंत्र भी मिलता है। पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवताओं थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे, पुरंदर किसे कहा, इंद्र को। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, फर्स्ट नंबर पर इंद्र थे, सेकंड नंबर पर कौन थे, अग्नि थे। इस काल में देवताओं की आहुति दी जाती, ठीक है, इस काल में देवताओं की आहुति दी जाती थी, मतलब अग्नि में दी जाती थी। तीसरे प्रमुख देवता कौन थे, वरुण थे, जो जल के देवता कहे गए हैं। वरुण को ऋतुअस्त गोपा, मतलब ऋतु वाला देवता भी कहा गया है। अब बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल की, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चली है। यह युग आर्य समिति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष, विभिन्नीकरण का युग कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्य है। अब भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया था। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल रेवा क्या है, नर्मदा नदी है, रेवा और सदा नीरा गंडक नदियों का भी उल्लेख मिलता है। 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई है। अथर्वेद में मगध के लोगों को ब्राह्मण कहा गया है। राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वेदिक काल में कबीले पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश के में शासन करने लगे थे, जिसमें प्रमुख थे विदेह के जनक, केव्य के अशुपति, काशी के अजात शत्रु और पांचाल के जामनिली। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य बन गया था, पांचाल नरेश, ठीक है, ध्यान होगा। इस काल में राजतंत्र में ही शासन का आधार था। सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी, ठीक है, सभा और समिति के द्वारा राजा को रोक लगाया जाता था कि भाई ऐसे मत करो, ये गलत कर रहे हो। वितथ का ही उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय अश्वमेध, वाजपेय और अनिष्टोम नामक यज्ञ किए जाते थे। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा गया है। क्या कहा गया, रत्नी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में निम्न पद थे, सेनानी किसको बोला जाता था, सेनापति को, सूत बोला जाता था रथ सेना के नायक को, ग्रामीण बोला जाता था गांव के मुखिया को, संग्रहीता बोला जाता कोषाध्यक्ष को और भाग धोग बोला जाता अर्थमंत्री को, करों को वसूलने वाला कहा जाता था। इस अर्थमंत्री कौन था, करों को वसूलता था। आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म ना पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा था। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ गया था, जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई थी। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो चुका था। व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे थे। ऐतरेय ब्राह्मणों में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, वैश्य लोग ही कर देते थे और कोई नहीं देता। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर जीते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था।
ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार नहीं ग्रहण कर सकता था, ठीक है, शूद्र जो थे वो उपनयन संस्कार नहीं कर सकते थे, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार आपके क्या है, गोत्र हैं, या फिर वर्ण व्यवस्था कह सकते हो, ठीक है, वर्ण व्यवस्था है चारों, ठीक है। यहीं से शूद्रों को अस्पर्श मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, गोत्र प्रथा स्थापित हुई, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए थे। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। सर्वप्रथम ज्वालोपोषनिषद में चार वर्ण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का विवरण मिलता है, चार वर्णों का ही मिलता है। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि मुख्य पेशा हो गया था, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि इससे संबंधित चारों क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई और गढ़ाई का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। इस काल में लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। क्या आ गई थी? लोहे का यूज होने लगा, सीधी से औजार वगैरह कृषि के जो भी यंत्र बनेंगे वो लोहे से बनेंगे। यजुर्वेद में लोहे के लिए प्रथम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ था। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए थे। ब्राह्मण ग्रंथों में शेषणी का उल्लेख मिलता है, शेषणी श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता है। निष्क, सतमान, पाद, कृष्णा, रक्तिका, गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी, ठीक है, माप की आता था इनसे, भिन्न भिन्न ये इकाइयां थी माप की। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में गले का स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा था। उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया था, धातु शिल्प उद्योग का प्रचलन शुरू हो चुका था। इस युग में धातु गलाने वाले उद्योग बड़े पैमाने पर थे, ठीक है। सिक्के का नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था, ठीक है, सिक्के मतलब नियमित रूप से यूज नहीं हो रहे थे। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख उद्योग था, कपास का उल्लेख नहीं मिलता, मतलब वस्त्र निर्माण तो हो रहे हैं पर कपास का उल्लेख नहीं मिला था इसमें, ठीक है। धार्मिक स्थिति की बात कर लेते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि अब पहले जैसा महत्व नहीं रख रहा था, ठीक है। इनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल की सृष्टि का निर्माता थे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। किसे प्राप्त हो गया था? प्रजापति को। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए थे। पहले ये पशुओं के देवता थे बोले जाते थे, अब शूद्रों के देवता हो गए थे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इस काल में दो महाकाव्य आए, महाभारत जिसे बोला जाता है, जय संहिता, एक नाम कई बार पेपर में आया है कि जय संहिता किसे बोला जाता है, महाभारत को, या महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता, इस तरह से, ठीक है। तो दो महाकाव्य कौन कौन से थे, एक तो महाभारत था और दूसरा था आपका रामायण, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्षण दर्शनों का बीजोरोपण हो चुका था। अब दर्शनों की बात कर लेते हैं हम लोग। चवार्क, ये चवार्क ने दिया था। योग दर्शन पतंजलि ने दिया था। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया था। न्याय दर्शन गौतम ने दिया था। पूर्व मीमांसा दिया था जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा दिया था बाद राणे ने। और वैशेषिक दिया था कणाद या अलुक ने। आगे चलते हम लोग। मृत्यु पर चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मोक्ष पर चर्चा की गई थी, ठीक है, उपनिषद से मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। परीक्षित को क्या बोला गया है? मृत्यु लोक का देवता कहा गया। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्य उपनिषद में मिलती है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तथ्य पढ़ेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे लिए। उत्तर वैदिक काल में राजा को राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है। तो जो राजा था, जब भी राजा बनेगा या तो उसका राज्य अभिषेक होगा तो उसे राजसूय यज्ञ करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णमित शासन व्यवस्था। अब शासन व्यवस्था है, कौन कौन सी उपाधि दी गई है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो जो पूर्व का क्षेत्र है उसका शासन कौन करता था? साम्राज्य करता था, साम्राज्य। और उपाधि कौन सी दी गई थी? सम्राट की। पश्चिम में स्वराज्य करता था और उपाधि थी स्वराट।
उत्तर में वैराज्य करते थे और उपाधि थी विराट, दक्षिण में भोज्य करते थे और उपाधि थी भोज, और मध्य में मध्य देश में करते थे राज्य करते थे और उपाधि थी राजा। ठीक है, तो इस तरह से उपाधि दी गई है, पांच पार्टों में डिवाइड किया गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और बीच में मध्य देश। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, मैं केवल तीन आश्रमों का उल्लेख मिलता है जबकि जावागलोपनिषद में चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। लोपा मुद्रा अगस्त ऋषि में पत्नी और वैदिक त्रिचाओं की रचयिता थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगनी कहा गया है। कुल उपनिषद 108 है जिसमें 12 जो है प्रमाणिक बोले गए हैं। उपनिषद अरण्यकों में पूरक भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषदों में हमें दर्शन विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है उपनिषदों से। अब वेदांग की थोड़ी सी बात कर ली जाती है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ये पेपर में कई बार पूछा कितने वेदांगों की संख्या कितनी, 6 है, पेपर में कई बार आया है। शिक्षा, कल्प, व्यापकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। पुराणों में की संख्या कितनी है, 18, ये पेपर में कई बार आया है। यज्ञों के विषय में प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते थे। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। आरण्यक के ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग था जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिल किया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपको ये सेशन पसंद आ ही रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए आगे चलते हैं, आपको मैं याद दिला दूं क्योंकि आप भूल ना जाए। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। यम नचित्तिकेता और अनेक बीच तीन बार प्राप्त करने वाली कहानी को कठोर उपनिषद में वर्णित किया गया। निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रथम प्रतिपादन ईशो उपनिषद में हुआ है। आगे की लाइन है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी बातें इस बुक से कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।